मैं लाइव हूं अभी, और आज लाइव होने के पीछे, ऑनलाइन आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन दोस्तों ये था कि कई बार लोग सक्सेस बताते हैं, लेकिन सबसे जब दिखाने की बारी आती है लोग दिखा नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, बिलीव नहीं होता, या इन चीज़ों पे लोग डाउट करते हैं कि वाकई में क्या सफलता इतनी आसान होती है। क्योंकि हमने यही बचपन सुना था कि सफलता बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ होती है, और बहुत मुश्किल से लोग सक्सेस होते हैं, राइट। लेकिन मैंने सफलता पाई है जल्दी समय में। प्लस बात मेरी नहीं है, बात वो है जब आपके साथ के लोग सक्सेस होते हैं कम समय में, जब आपके साथ लोग सक्सेस होते हैं प्रॉपर टाइम से। अच्छा, मेरी क्या आवाज सही आ रही है? आवाज और ओके, एक्सेलेंट। सो दोस्तों, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, तो सफलता या सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो पैरामीटर कुछ भी कर लो, लेकिन सफलता क्या सच में आती है आसानी से, ये देखना, ये सुनना सबसे बड़ी बात होती है। कि एक होती है कि हम स्टोरियां सुनते आ रहे हैं कि हाँ वो कमाया, वो किया, एक होता है कि हम देखें अपनी आंखों से। तो आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी मैं दिखाना चाहता हूं, बताने वाला नहीं हूं, दिखाना चाहता हूं रियल में, लाइव टेलीकास्ट के थ्रू। तो दोस्तों, इस मैं हूं गुवाहाटी आसाम के अंदर में, और मैं जरा एक बार बैक कैमरा करूं, ये रही लिफ्ट। लिफ्ट में से निकलने के बाद इस फ्लोर पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ये घर है। आप इसकी एंट्री देखो बस, है ना, एंट्री देखो, बहुत प्यारा सा घर है जिसका आज गृह प्रवेश है। और मैं चाहूंगा एक बार पहले कॉल बेल दबाऊं जरा सा। यस, तो ये घर किसका है? ये है कपल। सर पहले तो आप लोग का स्वागत है, पहले आप लोग से बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को आपका घर। तो एक बार दोस्तों मैं आपको ये घर दिखाना चाहता हूं, ये देखो कितनी खूबसूरत घर है ये। आज इस घर का गृह प्रवेश है। शुरुआत करूंगा भगवान से, जस्ट अभी पूजा खत्म हुई है। तो ये मंदिर, मंदिर के बाद एंट्रेंस पे आप लोग देख पाए ये दोनों कपल, जहां बहुत ही प्यारा सा यहाँ ग्लास लगा रखा है कि कोई आए तो बाल बाल सही कर ले अपना, आते जाते समय अपने आप को सही करें। हमारे पंडित जी जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया, यानी कि पूजन वूजन, बाकी हमारे लीडर्स और कुछ लोग और जो जाने पहचाने चेहरे हैं, राइट। तो ये रही इनकी सीलिंग भाई, झूमर सीलिंग वगैरह वगैरह, बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ा घर है। और मैं यहाँ पे देखूंगा तो इवन इन्होंने इस घर को पूरा नए तरीके से डिजाइन किया। आप देखो जैसे इसका टाइल्स भी देखोगे ना, तो 6x4 की बहुत बड़ी टाइल्स लगा रखी है, साइज जो हैवी वाली साइज आती है, ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी हम इसको यूज करें। यदि इसको थोड़ा दिखाएं तो ये हो गया डाइनिंग एरिया, जहां हमारे डायनेमिक लीडर्स बैठे हुए हैं। एक बार हाय बोलिए सर सभी आप लोग। ओके ग्रेट, तो हमारे सारे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। और यहां पे देखो एंट्री पे ही हमने शोकेस बना रखी है, किसके लिए? अपने उस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट के अंदर से ये घर निकला है। एक्चुअली इसी प्रोडक्ट के अंदर से ही ये घर निकली हुई है, आप लोग ध्यान देखेंगे तो, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन और किचन एरिया, ऑब्वियसली उद्घाटन आज इसका हो गया है। और ये रही हमारी ऑफिस, यहाँ पे कोई भी आता है तो अगेन यहाँ पे ऑफिस। लीडर्स वंस अगेन हाय, ये वो लीडर्स है जिन्होंने बहुत ही झंडे लगातार गाड़ रहे हैं और गाड़ चुके हैं बेसिकली। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोग काम कर रहे हैं, तो इनका चेहरा आप देख लीजिए, हो सकता है कि आप में से किसी के पहचान का ये चेहरा हो जो बाद में आपके काम आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ऑफिस ये बना रखा है यहाँ पे, कि मीटिंग वीटिंग के लिए। यहाँ पे पीछे शोकेस, वंस अगेन यहाँ पे शोकेस बना रखा है प्रोडक्ट्स के लिए। यही नहीं, यदि कबर्ड्स को मैं दिखाऊं तो यहाँ भी शोकेस हमने बना रखा है कि भविष्य के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट अभी आ चुकी, और घर की ओपनिंग है ये, गृह प्रवेश है, जिससे कि इसी के अंदर हम सामान प्रोडक्ट्स को अपने रख पाए, जिसको हम बोलते हैं ना मैजिक कॉर्नर, कि अपने घर में यदि आपका प्रोडक्ट है तो आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो ये एरिया हो गया एक तरीके से ये। नाउ जिस बेड पे आप लोग सोफे बैठे हैं, सोफा कम बेड है, कि जरूरत पड़ने पे इसको बेड का आकार दिया जा सके, जिससे गेस्ट वगैरह या कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ जाए तो उसको हम यूज कर ले एज ए बेड के रूप में, राइट। नाउ यदि इस एरिया से आए तो हॉल के इस एरिया में अगेन ये हॉल का टॉयलेट हो गया हॉल के लिए। नाउ अगला बेडरूम हो गई ये, जो मेरा बेडरूम है। मैं जब भी ध्रुव के आया हूँ, पिछले 5 साल से मैं ध्रुव के जब भी आता हूँ, तो इनके घर में मेरा एक बेडरूम फिक्स होता है। तो ये रहा मेरा बेडरूम, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें जब भी आता हूँ, ये अगेन इसका अटैच टॉयलेट, जब भी आता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं ही रुकता हूँ। और ये अलमीरा देखिए, बहुत ही प्यारा यूनिक एकदम कॉन्सेप्ट, पूरी ग्लास की अलमीरा है और सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप हल्का हल्का अंदर देख भी सको क्या रखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से यदि हम अगले स्टेप पे फिर जाएं,
तो ये रश्मिता जी की स्पेशल डिमांड में बनाया गया है इसका सेल्फी जोन, कि इनको फोटो खिंचवाना हो, लाइव करना हो तो यहां से खड़ी होके करेंगी। बहुत ही प्यारा एक नो डाउट। और ये रहा फाइनली इस कपल का स्वीट सा प्यारा सा बेडरूम। इस बेडरूम को मैं दिखाऊं तो अगेन टीवी स्टैंड राइट, अगेन इधर वही प्यारा सा अलमीरा। ये हो गया अगेन इनका एसी रूम या यू कर लूं। साथ में अगेन वंस अगेन एक कबर्ड बनाया गया यहां पर, इसी में स्पेशली दिया गया है लुक। आप देख सकते हैं मिरर लगा के, जिससे कि एज ए ड्रेसिंग टेबल इस्तेमाल किया सके। अगेन इनका अटैच टॉयलेट, और साथ में आई थिंक यहां से यदि मैं दिखा पाऊं आपको कुछ तो इनका बालकनी, ये बालकनी एरिया को मैं दिखाऊं आप लोग को, तो आप बस व्यू देखो यहाँ का। नीचे स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, और यदि आप दूर देख सकें तो चारों तरफ एरिया दोस्तों पहाड़ों के अंदर बनी हुई है। यदि बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे पहाड़ नजर आएगी, अगेन सामने देखो पहाड़ नजर आएगी। यदि मैं राइट में लेके जाऊं, राइट में देखो तो भी आप देखोगे बिल्डिंग, नीचे पहाड़ नजर आएगी। यदि मैं सीलिंग से आपको दिखाऊं जाके, तो सीलिंग से सिचुएशन ये है कि पूरी की पूरी ये जो घर बनी हुई दोस्तों पूरी पहाड़ियों के बीच में सोसाइटी है। यदि इसके बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री वॉल में इनके जस्ट बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, यानी कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल के इस साइड में अपोलो हॉस्पिटल है और एक साइड में इनका घर है। इनके घर के जस्ट सामने यहाँ का मॉल है, सिटी मॉल है आई थिंक, सिटी सेंटर मॉल, बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे गुवाहाटी के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट का ना, ओके नॉर्थ ईस्ट का बिगेस्ट मॉल यही है ओ भाई। और इनके घर के जस्ट सामने रोड हम पार करते ही उस मॉल के अंदर हम पहुंच जाते हैं। तो स्टेट जू है यहाँ पे, 150 मीटर का जू है ओनली। ओह माय गॉड, ये मुझे नहीं पता था यार। तो इमेजिन कर दो कि ऐसी लोकेशन है कि आज की डेट में यदि 2 करोड़ भी कोई खर्च करे तो यहाँ पे फ्लैट नहीं है, खत्म हो चुके हैं। क्योंकि गुवाहाटी का सबसे पॉश इलाका है, सबसे बेहतरीन एरिया के अंदर उन्होंने फ्लैट लिया था, और ये लिया था अगेन मसरीज लेने से पहले, क्योंकि हमारा नारा है कार से पहले घर। तो पहले इन्होंने घर खरीदा था, इसके बाद इंटीरियर का काम नहीं करा क्योंकि शौक थी गाड़ी की, फिर मसरीज परचेज किया लास्ट ईयर, और लगभग 6-7 महीने से 8 महीने से अराउंड इनका इंटीरियर काम चल रहा था, और फाइनली कल हैंडओवर हुआ। कल चाबी भी हमने साथ में लिया था, उसकी पिक्चर्स मैं शेयर करूंगा आप लोग को भविष्य में, और आज इसका फाइनली ओपनिंग हुआ। तो मैं यहां पे उस कपल को लाना चाहूंगा और कुछ बातें करूंगा उनसे, और मुझे लगता है कि जो मैं बातें करने वाला हूं आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देगी। लेकिन मैडम सेल्फी जोन पे जाके करेंगे, है ना, ये सेल्फी जोन बहुत प्यारा लगा मुझे। आई होप कि ये वीडियो के अंदर भी वैसी प्यारा लगेगी। तो यहां पे मैं मिलवाता हूं उस कपल से जिनका ये प्यारा सा घर है। फ्रंट पे कौन है? ध्रुव ज्योति कश्यप और रश्मिता कश्यप, हालांकि उपाध्याय लिखती है राइट। तो मेरा नौ सवाल होगा आप लोगों से, उसके पहले ये माइक में आपको हैंड ओवर करूंगा। ये सर लीजिए, इसी में बोलना है, जहां क्या लगा लीजिए, जहां पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल फिर से वहीं पे पहले मैं लेके पूछ लेता हूं। सवाल मेरा फिर से आप लोगों से यही होगा कि अभी आप लोग यंग हो, जल्दी क्या होता है कि इस एज के अंदर में लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ से, या इस एज के अंदर में लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी में परेशान हो रहे होते हैं, सिगरेट के सुट्टे फूक रहे होते हैं कहीं पे, बहुत सी गालियां सुन के। नाउ आज इस एज के अंदर में जब अभी तक आप लोगों ने बीवी प्लान नहीं किया है, बच्चे घर में नहीं है, आप 2 कपल हो सिर्फ, और इस एज के अंदर में आप मसरी जैसी एक लग्जरी शानदार गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, इतनी बेहतरीन घर आपने बनाई इतने कम टाइम के अंदर में, तो ये सारी उपलब्धि पहले मैं ध्रुव से पूछना चाहूंगा। ध्रुव आपने कैसे किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या और लोग करें तो उनके लाइफ में भी 3 से 5 साल में संभव है? क्योंकि मुझे याद है कि आप 3 साल के अंदर ये फ्लैट ले चुके थे, 4थे साल में आई थिंक आपने मसरीज लिया था 4th ईयर में जाके, और ये 5 साल हमें कंप्लीट हो रही है, आपको कंप्लीट हो रही है। तो 3 to 5 ईयर के अंदर में इतना बढ़िया शानदार घर, एक शानदार दुनिया की बेस्ट गाड़ियों में से एक मसरी ड्राइव करते हुए कैसे इतने कम टाइम में आप कर पाए, और क्या आप गुण या क्या ऐसा टिप्स देना चाहोगे जिसने आपको ये अचीव कराई, और जिसके थ्रू जो लोग इस व्यूअर्स हैं, जो दर्शक ये देखेंगे वीडियो भविष्य में भी, उनके लिए अचीवमेंट पॉसिबल हो पाएगी? तो मेरे तरफ से आपके लिए सवाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता को ब्लेसिंग्स के कारण ही ऐसा पॉसिबल हुआ, और साथ में हमारे जो कंपनी के CEO है मिस्टर डी के सहारन सर, उनके मेंटरशिप गाइडेंस और जितने भी उन्होंने सपोर्ट किया उनके वजह से ही ये घर आज पूरा हुआ है। और साथ में ये जो मेरा बेटर हाफ है जो मेरे पीछे लगे रहती है हर वक्त कि नहीं और अच्छा करना है, और बड़ा करना है, और टीमों को सपोर्ट करना है, और बड़ा करना है, और कंसिस्टेंसी से आगे जाना है, ये सारे चीज़ मिला के, और जितने भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं,
प्रीटी मैम से लेके ये जो भाई साहब हमारे आगे खड़े हैं कैमरा पकड़ के, अखिलेश जी और उनके मिसेस, ये जो हमारे परिवार है, ओके फैमिली, और साथ में हमारे शानदार टीम, दिगंतो काकुटी बोलिए, हिमांशु रॉय बोलिए, प्रदीप सिन्हा सर बोलिए, राइट, दशरथ ठाकुर जी बोलिए, गिरिंद्रनाथ दास बोलिए, और बहुत सारे ऐसे लीडर, चंद्रमा मैडम बोलिए, मनालेशा मैडम बोलिए, ये जितना भी हमारे लीडर्स हैं, मिथुन जी बोलिए, राइट, सब लोग के मेहनत, एक साथ हम लोग मेहनत किए हैं और ये कंसिस्टेंसी की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आता ही है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे खाली अप्स होगा, डाउन नहीं आएगा। पर जैसे ही डाउन आएगा, क्या आप में वो क्षमता है, गट्स है, पेशेंस है, परसिवरेंस है कि नहीं, मुझे अपने विजन की और दोगुना तेजी से भागना है, मेहनत करना है। और वही चीज़ें हमारे मेंटर्स ने हमें सिखाया कि ये करते रहो, और हमने किया, और करने के बाद वही नतीजा है। और आज मैं यहाँ से ही आप सबको बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके भी सपने हैं, आपने सपने पूरे करने हैं, राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं बहुत समय से आप समय बिता रहे हैं, सीख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप सक्सेस की ओर स्लो हो रहे हैं, अगर स्पीड में जाना है और अच्छा मेंटरशिप चाहिए, तो हमारे साथ आप आ सकते हैं। हमारे टीम ओके लाइफ केयर फैमिली में आपका स्वागत है। हम अपने दिल से मेहनत करेंगे, फील्ड में जाके मेहनत करेंगे, क्योंकि हम लोग फील वाले हैं, हम लोग फेसबुक वाले नहीं है, हम लोग फील्ड पे मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते हैं, और ये मेहनत के ही एक छोटा सा एक नतीजा है जहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी तो बहुत जर्नी दूर बाकी है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का घर दिलवाना है अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर, गाड़ियाँ दिलवाना है और एसेट बनवाना है, क्योंकि ओके लाइफ केयर का एक ऐलान है कि पहले घर उसके बाद गाड़ी, राइट। और मैं पूछना चाहूँगा मैडम जब, क्या बोलना चाहूँगा? हेलो एवरीवन, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ध्रुव जी और मैं ओके लाइफ केयर में नहीं होते तो कहीं और होते, और ऑब्वियसली वहाँ भी हम लोग बहुत अच्छा करते, लेकिन इतने कम टाइम में ये घर, गाड़ी, ऐसे लाइफस्टाइल, ये सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर में ही पॉसिबल है। अगर वहाँ होते तो कभी नहीं कर पाते इतनी कम टाइम में। और थैंक यू ओके लाइफ केयर हमें इतने अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। थैंक यू हमारे मेंटर, हमारे हर टाइम में हमारे साथ रहने वाले अखिलेश सर और प्रीति भाभी, आज भी वो यहाँ हैं, और हमारी प्यारी टीम। थैंक यू एवरीवन। नो, मेरा सुनता आपसे एक सवाल स्पेशली कि जल्दी, जब मुझे याद है कि जब आप इस इंडस्ट्री में ध्रुव को देखी थी तो शादी के 3 महीने हुए थे सर, नहीं? यानी कि शादी जब आपकी हुई थी, 3 महीने के अंदर में ही आपको मालूम हुआ कि आपके हस्बैंड साहब कोई ऐसा काम करते जिसमें मेंबर जोड़ा जाता है, तो पहले उसमें आपको कैसा महसूस हुआ था? नंबर 2, कि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि आपके घर में पैसे की चैलेंज आती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके पास बड़ी इनकम नहीं होती तो आपको चैलेंज आता है कि यार घर में रेंट देना है, घर के ऐसे बहुत जरूरी काम हैं जो आपको नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? उसमें आपको ऐसा कभी क्यों नहीं लगा कि यार ये क्यों ना क्यों मैं या ये कोई एक आदमी जॉब कर ले, कुछ और काम कर ले, और एक आदमी नौकरी, ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो उसमें क्या आपको ऐसा कोई ख्याल आया? और ख्याल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2 मैं पूछना चाहूंगा कि जब ऐसी मोमेंट आई तो ऐसी कौन सी उम्मीद, कौन सी होप थी कि आप लगातार लगी रही, प्लस इनसे कभी झगड़ा हुआ ड्यूरिंग दैट काम, या कभी आपने इनको किया हुआ कि काम करो साइड में कुछ और कर लेते हैं, कभी ऐसी मोमेंट लाइफ में आई थी? या यूं मेरा जो मैसेज है कि क्या कभी ऐसा आया था लाइफ में कि आप बहुत परेशान थे इस कंपनी में काम करते हुए, पैसे नहीं थे और तकलीफें थी, क्या ये मोमेंट आई थी? और आई थी तो उसमें आपने क्या किया, कैसे आप निकल पाए उस स्थिति से? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड में चैलेंज होती है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, सक्सेस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो कई बार उनके दिमाग में चलता है कि यार मैं कुछ और क्यों ना कर लूं, तो ऐसा क्या सिचुएशन आया था क्या लाइफ में, प्लीज इसके बारे में। यस सर, ऐसा सिचुएशन था जब हमने ओके लाइफ के स्टार्ट किया था, और जब हमने स्टार्ट किया था हम 0 थे, और जब हम स्टार्ट किया था तो हम लोग 0 से ही स्टार्ट किया था, और मुझे एक ही चीज़ हमेशा मैं बिलीव करती हूँ कि फेथ रखना चाहिए। बिजनेस है, अप डाउन है, इनके भी हमारे भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आए हैं, लेकिन फेथ जो है ना, लास्ट में फेथ ही मुझे इनको सपोर्ट, इनकरेज करने में मुझे मदद किया, मतलब हेल्प किया। और यस, बिजनेस में सवाल फिर से रिपीट करूँ, क्या पैसे की तंगी थी जब आप यहाँ काम किए? यस
इस काम करते हुए पैसे की समस्या आती थी? बहुत आती थी सर, बहुत आती थी, लेकिन हार्डवर्क जब आप करते हो और अगर दिल में विश्वास है, फेथ है, तो सब कुछ फिर से सही हो जाता है। राइट, यस, ओके, बिल्कुल। यानी कि आप यदि एक मैसेज देना चाहें बीइंग अ वाइफ की, यदि कोई व्यक्ति कोई वीडियो सुन रहा है, लेडीज फीमेल हो, तो फीमेल को और वाइफ को या बहन को, एक फीमेल के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे इस लाइव के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री उनके लिए ना एक वरदान है, जो लाइफ में कुछ करने के लिए सोचते हैं, जो जिनके पास ना बहुत कुछ करने के लिए इच्छा है लेकिन वो नहीं कर पाए हैं, वो आगे आइए। यहाँ पे आप जितना मर्जी आप इनकम कर सकते हो, जितना आपको जो आप सोचते हो, जो आपका सपना है, वो यहाँ पे पूरा होता है। ओके, नेट, तो एक बार सबको लास्ट मैसेज दोनों लोग साथ में कुछ देना चाहो तो कुछ भी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी समय स्टार्ट हो चुका है हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। एथिकल कंपनी का सिलेक्शन कीजिए, शानदार प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए, R&D प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए और अफोर्डेबिलिटी का सिलेक्शन कीजिए, और साथ में अनकैप कंपेंसेशन प्लान का सिलेक्शन कीजिए, डोलेक जनरेशन प्लान का सिलेक्शन कीजिए, ARP का सिलेक्शन कीजिए। माय दोस्त, 1 से 2 साल के अंदर आपके सारे दुख खुशियां में बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। मैं चाहूँगा पहले तो आपके टीम से भी बात करना चाहूँगा। टीम के पहले मैं दोस्तों आप लोगों से फिर से वंस अगेन बात करना चाहूँगा कि ये ध्रुवज्योति कश्यप थे, रश्मिता जी थी, इन दोनों लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं किए हैं। मुझे अच्छे से मालूम है, एक राज की बात बताने जा रहा हूँ ध्रुव, आज सॉरी फॉर दैट, कि जब मैं इनसे मिला था तो नई नई शादी हुई थी लगभग 3 महीने पहले, और इनके पास में जो पैसे थे कुछ जमा पूंजी, इन्होंने किसी कंपनी में डाले तो कंपनी पैसे लेके भाग गई थी, आप समझना। ये राज की बात है, तो जो इनके पास पैसे थे इन्होंने किसी एक XYZ कंपनी में लगाए, वो कंपनी पैसे लेके भाग गई। अब आप कल्पना करके देखो कि 3 महीने पहले शादी हुई हो, नई नई नवेली लड़की आई हो घर में, या घर में पैसे नहीं क्योंकि पैसे कहीं लगाए, वो पैसे गायब हो गए। ऐसे परिस्थिति में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करके और फिर उसको जीरो से अपने करियर को ले जाना अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि बहुत लोग का लाइफ में क्या होता है कि जब पैसे गायब हो जाते हैं तो लोग नए मतलब जेनुइन रास्ते हो जगह ऐसी कंपनियां तलाश करते हैं, शॉर्टकट वाली इन्वेस्टमेंट प्लान टाइप का, कि 1 का 2 हो जाए 2 का 3 आ जाए, 8% 10% महीने इनकम आ जाए, ट्रेडिंग वेडिंग की बातें। उनको लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से पैसे स्लो आते हैं तो मैं साथ स्टेबल ना हो पाऊं। मैं मानता हूं प्रोडक्ट बेस्ड से स्लो आते हैं, ओके लाइफ से स्लो आते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड से स्लो आते हैं कई समटाइम, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में इस कपल को, न्यूली कपल जिसके पास पैसे ना हो, रेंट पे रहते हो, घर का भाड़ा देने की दिक्कत हो, बिजली रिचार्ज करने की दिक्कत हो, वो भी नौबत हमारी इनकी आई है कि इन्होंने मुझसे फोन किया, अखिलेश भाई यार वो बिजली का बिल के लिए शायद ना आईडी 1-2 हजार अपने साथ बोला 2000 लाख लेते भाई, 2000 पे चाहिए थे यार, बिजली घर की लाइट कट गई है, एंड बिलीव भी मेरे पास 2000, मेरे पास भी 2000 नहीं था उस समय, मैं इनको 2000 सपोर्ट कर सकूं, यार मैं ट्राई करता हूं ध्रुव जी बताता हूं आपको। तो 2000 भी पैसे हमारे पास नहीं थे और आज हम करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ध्यान देना, हमने शॉर्टकट नहीं अपनाया कि चलो क्रिप्टो करेंसी, सॉरी इसको नाम नहीं लेता, कोई ट्रेडिंग वाली प्लान ज्वाइन कर ले। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि फाइनेंस इन्वॉल्व है तो मेरा मानना है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमारी कानून, हमारी गाइडलाइन बोलती है कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो फ्रॉड है। तो हमने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, इन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, ऐसे बहुत सारे लीडर जो शॉर्टकट नहीं अपनाए इन्होंने, लेकिन वंस अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सिलेक्शन किया, जीरो से काम किया और आज वो अचीवमेंट आई है। दोस्त, जब मैं इस घर को देखा हूं ना कल आके, तो मैंने बस एक ही वर्ड निकला, जो इसका डिजाइनर था कल वहां बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे मुझसे मिलने के लिए, कि भैया ये 5-स्टार लेवल की डिजाइन किया आपने, ये घर नहीं है, 5-स्टार होटल की डिजाइन पूरी दिख रही है। हम अक्सर आज ओके लाइफ में जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, जो कल सुनेंगे इस लिंक को, वो सभी जानते हैं कि ओके लाइफ ने इतनी 5-स्टार घुमा दिया है कि दिल्ली में तो कोई 5-स्टार बची नहीं, राइट? पूरे दिल्ली से लेके जयपुर से लेके जहां भी कंपनी इवेंट करती है 5-स्टार से नीचे नहीं करती, अब तक का रिकॉर्ड तो 5-स्टार का रहा है। तो हम इतने 5-स्टार घूम चुके हैं कि 5-स्टार के कमरे कैसे होते हैं, वहां की वॉल्स कैसी होती, वहां की सजावट कैसी होती है, हमें समझ में आता है। और जब इस घर में मैं पहली बार कैलेंडर किया ना, तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी, वाह, मतलब लाइक 5-स्टार। एंड जब कल मैं इस बेड पे सोया हूं तो जल्दी कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी और के घर पे जाते हो तो कई लोग को नींद नहीं आती, हालांकि मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मेरी वाइफ साथ समस्या है ये, और बिंदास वो मुझसे पहले सो गई थी,
तो इतना समझ में आ गया था कि इसका मतलब कि ये घर तो इनके लिए यार मतलब जो नया भी कोई आदमी आया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा घर है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये सफर रहा। कुछ चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा आपको, लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति और मिलवाऊंगा जिन्होंने कि इनके साथ कदम से कदम मिला के शुरुआत से खड़े रहे। तो मैं चाहूंगा